इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, हल्द्वानी से मंत्रिमंडल में खाली पड़े पदों को लेकर बंशीधर भगत का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि खाली पदों को भरने में हमें कोई देरी नहीं करनी चाहिए, मेरी राय में तत्काल भरे जाने चाहिए सभी खाली पड़े हुए पद। 5 फरवरी को मुख्यमंत्री के साथ बैठक होगी, बैठक में पद भरने को लेकर चर्चा करूंगा, ये बातें कही है बंशीधर भगत ने। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मंत्री पद काफी समय से उत्तराखंड सरकार में खाली पड़े हुए, इसको लेकर बंशीधर भगत ने अब बात कही। उन्होंने कहा है कि 5 फरवरी को मेरी मुख्यमंत्री से मुलाकात होनी है और उस मुलाकात में मैं इस बात पर मुख्यमंत्री से चर्चा करूंगा और उनसे कहूंगा कि जो ये पद खाली पड़े हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए, क्योंकि मंत्री पद काफी समय से खाली पड़े हैं और इनको भरा जाना काफी जरूरी है। तो ऐसे में आपको बता दें कि उत्तराखंड से इस वक्त काफी बड़ी खबर आ रही है, बैठक में पद भरने को लेकर चर्चा करने की बात कही है बंशीधर भगत ने। 5 फरवरी को इनकी बैठक है सीएम से, मंत्रिमंडल में ये पद खाली पड़े हैं काफी समय से और इसको लेकर काफी बातें भी सामने आई हैं पहले भी कि मंत्रिमंडल में जो विस्तार है यू होना है, जो मंत्री पद कितने सारे खाली पड़े हैं उनको भरे जाना चाहिए, इसके अंदर प्रदेश के अंदर काफी सारे जो काम है सुचारू रूप से नहीं हो पा रहे हैं। तो जिसको देखते हुए बंशीधर भगत का ये बयान आया है, काफी बड़ा बयान है ये अपने आप में बंशीधर भगत का। उन्होंने कहा है कि सीएम से 5 फरवरी को मेरी मुलाकात है और 5 फरवरी की मुलाकात में मैं इस मुद्दे पर सीएम से चर्चा करूंगा और उनसे कहूंगा कि तत्काल रूप से इन सभी पदों को भर देना चाहिए। तो आपको बता दें कि बंशीधर भगत का भी यही तो आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज पवार अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। तो पंकज, बंशीधर भगत का यह बयान ऐसे रूप में आ रहा, क्या अपने आप में क्या साबित करता है? क्या वो भी, उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं प्रदेश में मंत्रियों की आवश्यकता है और जो प्रदेश का काम है सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है? अब बिल्कुल, अगर कहा जाए तो पूरी बीजेपी को लगता है कि सरकार का काम ठीक से नहीं हो रहा है और मुख्यमंत्री भी अब मानने लगे हैं। अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि डरोत महसूस हो रही है, लेकिन अब क्यों इसमें डिले हो रहा है, ये तो या तो मुख्यमंत्री जानते हैं या फिर अमित शाह जानते हैं या फिर मोदी जानते हैं। तो कुल मिलाकर साफ तौर पर नजर आता है कि जरूरत सबको महसूस हो रही है। ऐसे में अब बंशीधर भगत जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो इस पर पहल कर रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री से इस पर एक लास्ट बातचीत हो जाए कि भाई 5 तारीख को ये मुलाकात होगी, इसमें ये बात जरूर की जाएगी कि भाई 3 पद भर दिए जाए, क्योंकि अब बहुत जरूर महसूस हो रही है चाहे सरकार में। अब आप ये समझिए कि कैबिनेट की बैठकों में अगर 2 से 3 मंत्री आ रहे हैं, 7 से 8 मंत्री हैं और उसमें से भी 2 से 3 मंत्री आ रहे हैं कैबिनेट की बैठक में, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की जरूरतें महसूस हो रही हैं। और अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में 2022 में भी इसमें फर्क पड़ सकता है। तो ऐसे में बंशीधर भगत ने इस पर बीड़ा उठाया है कि अब 5 तारीख को मुख्यमंत्री से इस पर बैठ के बात करेंगे और विधायकों की जो मंशा है, किस तरीके से वो मंत्री पद दिलवाना चाहते हैं, किसको दिलवाना चाहते हैं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और ये मौजूद भी है, अब दो साल बचे हैं, ऐसे में अगर ये 3 मंत्री पद खाली रहते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है सरकार में रहने का। जी पंकज, अगर बात करें मंत्री पदों की तो कौन कौन से मंत्री हो सकते हैं, कौन कौन सा कार्यालय मिल सकता है किसको, कोई नाम सामने है और कोई मंत्रालय? देखिए लगभग 40 विधायक हैं और बीजेपी के 57 विधायक और उसमें से 40 को तो दावेदार माना ही जा रहा है। ऐसे में नाम बहुत सारे हैं उसमें, चाहे मुन्ना सिंह चौहान हो उसमें अगर कहा जाए तो बलवंत सिंह घोरियाल हैं, गणेश जोशी हैं, इसके अलावा भी लगभग 2 दर्जन से ज्यादा नाम है जिनको दावेदार माना जा रहा है। लेकिन अब ये पार्टी आला कमान या फिर मुख्यमंत्री को तय करना, प्रोगेटिव विशेषाधिकार भी मुख्यमंत्री का है कि इसमें वो किसको अपना सहयोगी बनाना चाहते हैं। कुल मिलाकर 5 तारीख को जो प्रदेश अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री की बैठक होगी, क्योंकि उन्होंने खुद इनिशिएटिव लेने की बात की है, तो अब उसमें तय किया जाएगा कि वो किसको लेना चाहते हैं और किसको बनाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें क्षेत्रीय संतुलन भी देखना होगा कि कुमाऊं, गढ़वाल, ब्राह्मण, ठाकुर, ये तमाम चीजें देखनी होगी कि किस किस को रखा जाना है। तो ये चीजें 5 तारीख की बैठक में शायद तय हो जाए और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होने का चीज घड़ी भी पास आ जाए तो ये उम्मीद जताई जा सकती है। लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री चाहते तो हैं लेकिन पता नहीं किस बात की वजह से सारी चीजें अटकी जा रही हैं। जी जी पंकज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ पूरी विस्तृत जानकारी से इस खबर पर जुड़ने का।